कल लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं और लोकसभा के चुनाव में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार को और मोदी जी को भारत की जनता ने आशीर्वाद दिए। भारत की जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूं। विशेष रूप से नेहरू जी के बाद यानी 1962 के बाद मोदी जी ऐसे पहले प्रधानमंत्री होंगे जो तीसरी बार लगातार देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। एक नया रिकॉर्ड मोदी जी इस चुनाव में कायम कर रहे हैं, इसलिए महाराष्ट्र की ओर से मोदी जी का भी हम लोग आभार व्यक्त करते हैं। और उसके साथ साथ देश में अरुणाचल प्रदेश और उड़ीसा ये दो जगह की विधानसभाओं में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत दिया, हमको चुनकर दिया। और आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में एनडीए को पूर्ण बहुमत दिया, इसके लिए भी वहां के जनता का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं ऐसा मानता हूं कि देश में अच्छे रिजल्ट यहां पर आए, लेकिन महाराष्ट्र में निश्चित रूप से कुछ कमी रही है। जिस प्रकार से 2014 में और 2019 में हम महाराष्ट्र को मोदी जी के पीछे खड़ा कर पाए, उसमें एक बड़ी कमी इस चुनाव में आई है। और भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार की अपेक्षा थी, उस प्रकार की सीटें इस चुनाव में नहीं मिल पाई। हम लोगों का मानना ऐसा है कि इसके कई कारण हैं, लेकिन उन कारणों की ओर जाने से पहले मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये नैरेटिव बिल्कुल गलत है कि महाराष्ट्र में लोगों ने महाविकास आघाड़ी को चुना है और भारतीय जनता पार्टी और महायुति को रिजेक्ट किया है। अगर हम आंकड़े देखें तो हमारे ध्यान में आएगा कि कुल मिलाकर महाराष्ट्र में जो महाविकास आघाड़ी थी उनको 43.91% वोट मिले हैं और एनडीए को 43.60% 43.60% यानी आधे प्रतिशत से भी हम पीछे, कम वोटों से हम लोग पीछे हैं। तो इसका मतलब यह है कि दोनों को लोगों ने समान वोट दिए हैं, कहीं पर भी हमको रिजेक्ट किया है इस प्रकार की परिस्थिति नहीं है। अगर हम इसको वोटों में तब्दील करें तो महाविकास आघाड़ी को 2,50,00,000 वोट मिले हैं और हमें 2,48,00,000 वोट मिले हैं, यानी मात्र 2,00,000 वोट हमको कम मिले हैं। लेकिन सीटों का अंतर इन 2,00,000 वोटों का ऐसा है या इस आधे दशमलव का ऐसा है कि महाविकास आघाड़ी को 30 सीटें मिली है और हमें मात्र 17 सीटें मिली है। अगर हम मुंबई का विचार करें तो मुंबई में महाविकास आघाड़ी को 4 सीटें मिली और हमें 2 सीटें मिली, लेकिन मुंबई में महाविकास आघाड़ी को 24,00,000 वोट है और हमको 26,00,000 वोट है। महाविकास आघाड़ी से 2,00,000 वोट ये मुंबई में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने ज्यादा लिए हुए। दूसरा एक और चीज मैं कहना चाहता हूं कि 2019 में हमको 27.84 इतने वोट मिले थे, इस बार हमारे वोट बहुत थोड़े घटे हैं। बीजेपी की मैं बात कर रहा हूं, बीजेपी को 27.84 थे, इस बार 26.17 यानी 1.25% वोट
ये केवल हमारे कम हुए हैं, और उसमें हमारी सीटें 23 से सीधे 9 पर आई है। और वही अगर हम कांग्रेस का विचार करें तो कांग्रेस को 2019 में 16.41 वोट थे और एक सीट मिली थी, 16.41 से इस बार उनका प्रतिशत हो गया 17, यानी आधा परसेंट बढ़ा और उनकी सीटें 13 हुई है। तो अगर हम लोग कुल मिलाकर ये सारी चीजें देखें तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को या महायुति को लोगों ने अच्छे वोट दिए हैं, लेकिन पॉलिटिकल अर्थमेटिक इस प्रकार का रहा कि हमारे खिलाफ के वोट ये बड़े पैमाने पर कंसोलिडेट हुए। और इसका परिणाम मैं अगर बीजेपी का विचार करूं तो हमारी 8 सीटें ऐसी है कि जो 4% से भी कम वोटों से हारी है, करीब 6 सीटें ऐसी है जिसमें 30,000 से कम मार्जिन से हम हारे हैं, और 2,000 से 4,000 से 6,000 से हारने वाली भी सीटें हमारी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कंसोलिडेशन है इसको हम रोक नहीं पाए। कुल मिलाकर अगर हम इसका थोड़ा एनालिसिस भी करें तो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की 3 पार्टियों के साथ साथ हमको एक नरेटिव के साथ भी लड़ना पड़ा, और वो नरेटिव संविधान बदलने वाला नरेटिव था कि जिसने एक डैमेज हमको निश्चित रूप से किया है, इसको इफेक्टिव काउंटर हम कर रहे थे और हमको ऐसा लग रहा था कि हम इफेक्टिवली काउंटर कर रहे हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि हम इफेक्टिवली इसको काउंटर नहीं कर पाए, ये बात भी निश्चित है। और कई कारण, आज हमारी जो बैठक हुई इस बैठक में इस हार के और कई कारण हम लोगों के ध्यान में आए, जिसमें विशेष रूप से कई जगह पर हमारे उम्मीदवारों की एंटी इनकम्बेंसी हम असेस नहीं कर पाए, और उसके कारण 2 बार 3 बार के कई उम्मीदवार थे कि जिनको चुनाव के दरमियान हमारे ध्यान में आया कि इनके बारे में एक एंटी इनकम्बेंसी है, तो ये एक जरूर कारण रहा। हमारा जो पैच का पट्टा है उसमें जो पैच के एक्सपोर्ट के बारे में डिसीजन थोड़ा लेट हुआ, डिसीजन तो हुआ लेकिन उससे पहले सरकार पैच खरीद रही थी, लेकिन नरेटिव एक बड़ा उसमें तैयार हुआ जो उन सीटों पर हमारे कुछ वोटों को कम किया उसने, और उसका भी हम लोगों को प्रॉब्लम कुछ न कुछ पैमाने पर हुआ है। इसके साथ साथ सोयाबीन और कपास के बारे में मुझे ऐसा लगता है कि उसमें हम लोगों ने जो अनाउंसमेंट की थी कि जो भावांतर योजना के तहत हम किसानों को मदद करेंगे, उस भावांतर योजना को हम लोग आचार संहिता से पहले लागू नहीं कर पाए, लोगों को हम पैसा नहीं दे पाए, तो उसमें भी एक हम लोगों की कमी रही है। और इसके साथ साथ और भी कई कमियां हमारी हैं जिन कमियों के ऊपर हमने विचार किया, और मुझे ऐसा लगता है कि इन कारणों के चलते कुछ सीटें हमारी निश्चित रूप से कम हुई। एक हम लोग बड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग भी इसके ऊपर करेंगे, अभी आज हमारे कई वरिष्ठ नेता नहीं पहुंच पाए क्योंकि कल रात देर रात तक काउंटिंग चली है, तो हम लोग सब लोग मिलकर फिर एक बार एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करके और विधानसभा के लिए हमारी स्ट्रेटेजी तय करेंगे। और मैं निश्चित रूप से जो आंकड़े मैंने आपके सामने रखे ये आंकड़े इस बात को प्रूव करते हैं कि जरूर महाविकास आघाड़ी को एक इमोशनल एडवांटेज इन आंकड़ों से मिला होगा, लेकिन जमीन पर आज हम मजबूत हैं और अपनी गलतियों को दूर करके वापिस लोगों के बीच जाकर हम लोग जो हमको अधिक का लोगों से आशीर्वाद चाहिए वो संपादित करने की कोशिश करेंगे। इस पूरे चुनाव में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बावनकुळे जी, हमारे मुंबई के अध्यक्ष आशीष शेलार जी, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, मैं निश्चित रूप से उनकी प्रशंसा करता हूं। कार्यकर्ताओं ने भी जी जान से काम किया है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने
केवल खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं, शिवसेना की और एनसीपी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी बहुत अच्छे से काम किया है। हाँ, ये जरूर है और जो मैं स्पष्ट रूप से मान्य करता हूं कि हमारे जो मित्र है उनके साथ नीचे कुछ प्रश्न निर्माण हुए हैं जिसको हमें पाटना होगा, जो हमने चिन्हित किए हैं और जल्दी ही हम लोग मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी के साथ बैठेंगे और बैठकर इसके ऊपर भी हम लोग निर्णय करेंगे। और साथ साथ महाराष्ट्र में चूंकि एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सारी जिम्मेदारी महाराष्ट्र में एक लीडर के रूप में मेरे ऊपर थी, तो ये जो हमारा महाराष्ट्र में डिबैकल हुआ है या जो हमें एक प्रकार से हार मिली है, हमारी सीटें कम हुई है, इसकी पूरी जिम्मेदारी ये मेरी है। मैं इस जिम्मेदारी को स्वीकारता हूं, कहां कमियां रही है उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। मैं भागने वाला आदमी तो हूं नहीं और जोरों से मैदान में उतरूंगा और हमारी पूरी पार्टी को साथ में लेकर हम लोग वापिस नई स्ट्रैटेजी तैयार करेंगे और नई स्ट्रैटेजी तैयार करके हम लोग जनता के बीच जाएंगे। जनता का जो विश्वास है उस विश्वास को हम लोग संपादित करेंगे।